हेलो एवरीवन, फिल्मी क्रेजिस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस करना, ताकि हमारी हर वीडियो हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, तो फाइनली आज बातें करेंगे मानुष मूवी को लेकर। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, मानुष मूवी की जो बुकिंग है वो तो आपको पता ही है कि अच्छी खासी है ही है, बट यहाँ पे नहीं है नॉर्थ में। कहीं ना कहीं आपको बता दूँ, आज संडे का दिन है तो बंगाल में बहुत अच्छे इसकी ऑक्यूपेंसी देखने को मिला सुबह से ही। दोस्तों, अब शाम हो गया तो इस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि 3 दिन में इसकी कमाई कितनी होगी। जी हाँ दोस्तों, तो यार मतलब कि ज़्यादा सोल्स नहीं मिले हैं, आपको पता ही है नॉर्थ में, खासकर हिंदी वर्जन में। दोस्तों, अगर हम गेटी गैलेक्सी की बात करें तो यहाँ पर लगातार सोल्स कैंसिल हुए हैं, और यहाँ पर इतने कैंसिल हुए, इतनी कैंसिल हुए कि आज का जो 200 है वो भी गायब हो गया। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आज फाइनली गेटी गैलेक्सी से निकल चुकी है ये मूवी, और नेपोलियन करके एक हॉलीवुड की मूवी है उसको चारों स्क्रीन दे दिया गया, चारों सोच उसको दे दिया गया है। दोस्तों, तो गाइज कहीं ना कहीं आपको बता दूँ कि मानुष मूवी का जो हिंदी कलेक्शन है, मैं आपको प्रेडिक्शन दे ही नहीं सकता हूँ कि हिंदी में क्या आने वाली है। बट हाँ, पूरी लैंग्वेज की बात करें तो पूरी इंडिया में इसकी कलेक्शन कम से कम 1 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो जाएगी। दोस्तों, मात्र 3 से 4 दिन के आसपास बता रहा हूँ मैं। दोस्तों, 3 से 4 दिन के आसपास ये 1 से 1.5 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी आराम से। दोस्तों, हालांकि आपको बता दूं कि जिन सर की ये मूवी कहीं ना कहीं पब्लिक को डिसअपॉइंट की गई है, फैंस को तो पसंद आ रही है, लेकिन जो आम ऑडियंस होती है, आम ऑडियंस को ये मूवी पसंद नहीं आई है। इसका जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पब्लिक को पसंद नहीं आ रही, हालांकि मुझे तो पसंद आई मूवी। मैं तो बोला कि मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, जिस तरीके से ड्रेस की कहानी बताया है, जिस तरीके से फैमिली को लेकर वो सीरियस होते हैं, मतलब कि एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह सब अच्छे लगे मेरे को मूवी के अंदर। बट ऑडियंस माय बाप है दोस्तों, ऑडियंस को मूवी अच्छी नहीं लगी, तो जाहिर सी बात है कलेक्शन में तो यार गिरावट आएगी। दोस्तों, खैर जो भी हो, दोस्तों जिस तरीके से चेंगेज मूवी थी, वो जो चेंगेज में जो स्वर्ग था उनका, जो डांस था रगड़ा सॉन्ग का, वो करेक्टर जो अलग था यार उनका, वो जो अलग ही लेवल का उनका डायलॉग डिलीवरी, जो कि आज भी दिमाग में लोगों के याद है। दोस्तों, वो आज बोलते हैं ना, चेंगेज का दौर नहीं युग होता है, युग होता है, वो जो डायलॉग था ना भाई, आज भी देखो याद है सभी को। तो इसमें ऐसा कोई डायलॉग नहीं है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो गाइज, अभी तक आप लोग इस मूवी को नहीं देखे तो आप एक बार देख सकते हो यार, वन टाइम वॉच तो है ही ये मूवी, आप एक बार देख सकते हो। लेकिन हिंदी ऑडियंस को पता नहीं, आपको पता ही है हिंदी ऑडियंस को जो कॉन्टेंट पसंद आती है, जब आती है तो यार जोर शोर में पसंद आती है और थिएटर में भर देती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर, यहाँ पर कहीं ना कहीं हिंदी ऑडियंस डिसअपॉइंट हुई है, इसके वजह से शो कैंसिल हुआ, यहाँ तक कि मूवी भी निकल गई गेटी गैलेक्सी से। दोस्तों, तो गाइज बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।